12 सितंबर को साहिबगंज में पीएम नरेंद्र मोदी बंदरगाह का भी ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इस बंदरगाह के चालू होने से विकास का द्वार भी खुलेगा। साहिबगंज न सिर्फ व्यावसायिक केंद्र के रूप में उभरेगा बल्कि जलमार्ग से बांग्लादेश और पूर्वोत्तर राज्य जाना लोगों के लिए आसान हो जाएगा। साहिबगंज के समदा में करीब 300 करोड़ की लागत से बन रहे बंदरगाह का पहले चरण का काम लगभग पूरा हो गया है और इसका 12 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन होना है। यह बंदरगाह साहिबगंज ही नहीं झारखंड में विकास का द्वार खोलेगी। आपको बता दें कि 6 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री ने साहिबगंज में इस मल्टी मॉडल बंदरगाह का शिलान्यास किए थे और महज 2 साल के भीतर ही यह बंदरगाह बनकर तैयार हो गया। 1380 किलोमीटर लंबे वाराणसी और हल्दिया जलमार्ग के बीच मल्टी मॉडल बंदरगाह का काम पूरा होने से 1500 टन से लेकर 2000 टन तक वजनी जहाज के व्यवसायी परिवहन की सुविधा हो सकेगी। वहीं गंगा में वाराणसी और हल्दिया के बीच जहाज सेवा शुरू होने से माल की ढुलाई सस्ता और सुलभ होने से सड़क और रेल मार्ग पर ट्रैफिक लोड कम होगा। साहिबगंज जिला आज अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ गया और यह सौभाग्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, राज्य के भारतीय जनता पार्टी के रघुबर दास की सरकार ने इस जिले वासियों के सपनों को पूरा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था और आगामी 12 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों ऑनलाइन इसका लोकार्पण होगा। इस बंदरगाह के बनने से आवागमन का मार्ग जल मार्ग के माध्यम से सुदृढ़ होगा। बंदरगाह के बनने से जो आवागमन का जो खर्च आता था, ट्रांसपोर्टिंग का जो खर्च आता था, वो खर्च का मात्र 20% पर आकर के रह जाएगा। बंदरगाह में माल ढुलाई के लिए सैकड़ों मजदूर काम पर भी लगेंगे जिससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगी। कई राज्यों से सामान कम लागत से बाजार में मिलेंगे। जाहिर है इससे साहिबगंज व्यवसायिक केंद्र के रूप में उभरेगा। इतना ही नहीं, जलमार्ग से बांग्लादेश और पूर्वोत्तर राज्य जाना लोगों के लिए आसान हो जाएगा। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने कहा कि ये मोदी सरकार है, रघुवर दास की सरकार है। इस बंदरगाह का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों शिलान्यास और उद्घाटन होना यह साहिबगंज के लोगों के लिए गौरव की बात है। बंदरगाह साहिबगंज के विकास का द्वार खोलेगी और यह जिला अंतर्राष्ट्रीय नक्शा से जुड़ जाएगा। बंदरगाह के बनने से ट्रांसपोर्टिंग के खर्च में कमी आएगी और साहिबगंज और संथाल परगना के लिए ये एक आर्थिक रूप से बहुत बड़ा निर्णय होगा जो कि इसको एक जंप देगा, उछाल देगा। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी 12 सितंबर को कर रहे हैं और रांची में जो कि विधानसभा का भवन भी तैयार है तो उसके उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो विधानसभा के साथ साथ इसका भी उद्घाटन होगा और इसमें जल्दी से ही कार्य भी प्रारंभ होगा। साहिबगंज में मल्टी मॉडल बंदरगाह का काम लगभग पूरा है जिसका उद्घाटन 12 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। यह साहिबगंज के लिए गौरव की बात है जिसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी किए थे और उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी ही करेंगे। यह बंदरगाह साहिबगंज ही नहीं पूरे झारखंड के विकास का द्वार खोलने का काम करेगी। न्यूज 11 के लिए साहिबगंज से सुधाकर की रिपोर्ट।